हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। चलिए फटाफट आज स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। जेई और नीट में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है एंड आपको थ्रू आउट द क्लास 11th की जर्नी में बहुत काम आएगा। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग डायरेक्ट अलजेब्रा से भी स्टार्ट करने वाले, ठीक है? आपको पता है शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक करना है। चलिए नेक्स्ट अलजेब्रा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ठीक है, अलजेब्रा से मैं आपको स्टार्ट करवाता हूँ। तो अलजेब्रा अलजेब्रा में बहुत सारे फंक्शंस आते हैं। सबसे तो पहले हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पॉलीनोमियल फंक्शन का एक है पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, आपको फिजिक्स में काम आता है। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो कुछ ऐसा फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। जहाँ इक्वल टू का साइन आ गया वो क्या होता है, इक्वेशंस होता है। आपको पता है ना इक्वेशंस क्या होता है, इन इक्वेशंस क्या होते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स में भी पढ़ाई गई होगी, मैथमेटिक्स में इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज जहाँ पे आपको इनइक्वेशंस बताना होता होगा। बट यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे हैं, इक्वेशंस बना रहे हैं, ठीक है? तो आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी पढ़ा हुआ है क्लास 10th में। एक पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस पढ़ा होगा जिसमें कहते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ऐसा कुछ इक्वेशन हम लोग तैयार करते हैं, है ना? लीनियर इक्वेशन इसको बोलते हैं, ठीक है? जहाँ पे क्या होता है पावर जो है लीनियर है। देखो वन वन पावर ही है, ठीक है? तो मैथ्स वालों को तो ये बहुत अच्छी तरीके से, और जिन्होंने नीट लिया है घबराना नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरीके से एक एक कंसेप्ट क्लियर करते हुए मैं यहाँ पे जाने वाला हूँ, ठीक है? एक एक चीज यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है भैया, तो कोई भी ऐसी इक्वेशन फॉर्म जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, टू होती है। हाईएस्ट पावर डिग्री क्या होती है भैया, डिग्री जो है डिग्री होती है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। और यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर भैया टू है, ठीक है? ये क्या है हाईएस्ट पावर, वो टू है। चलिए समझ में आ गया। अब देखो अब इसके जो है सॉल्यूशंस बनते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हमारे पास बनते हैं जिनको हम बोलते हैं रूट्स। और रूट्स निकालने का हमको सबसे इजी फॉर्मूला पता है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर में इसको दे देते हैं बाय टू है। और इस वाले टर्म को हम लोग डी बोल देते हैं, ठीक है? डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। चलिए ये समझ में आ रहा है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे थोड़ी और बातें कर लेते हैं, ठीक है? तो जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है इज इक्वल टू जीरो है, इसके जो दो रूट्स बनेंगे एक बीटा एक अल्फा। अल्फा जो है अल्फा होगा आपका नथिंग बट एक्स वन, एक्स वन जो है माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के इक्वल होगा, ठीक है? बाय टू ए, है ना? और जो एक्स टू होगा बीटा जो होगा वो होगा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय ऑफ टू ए। ये होगा आपके पास, निकल के आ गया, सही है। अब क्वेश्चन जल्दी से करते हैं, बस यहाँ पे आपको बस यही जानना है, इतनी ज्यादा यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है कि मिडिल टर्म स्प्लिट वगैरह आपको आती ही होगी, ठीक है? क्वेश्चन करता हूँ, मिडिल टर्म स्प्लिट वहां भी बताऊंगा, क्वेश्चन में बताऊंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स? चलिए सॉल्व कीजिए, एक एग्जाम्पल सॉल्व कीजिएगा मेरे साथ, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये हमारा क्लियर हो जाए। टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो, ये है आपके पास, ठीक है सर? तो देखिए अब क्या करना है, आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, ठीक है? तो चलो मिडिल टर्म स्प्लिट भी बता देता हूँ। पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों के फैक्टर्स ऐसा तोड़ेंगे कि प्लस माइनस करने पे ये बीच वाला फैक्टर आ जाए और मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे ये फैक्टर आ जाए, ठीक है? तो चलिए इसको तोड़ते हैं। तो दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके आपने लिख दिया है, तो 24x² आ रहा है। उसको ऐसा कैसे तोड़े कि 24x² में हमको ये मिल जाए 5x, है ना? ये हमको क्या मिल जाए, ये 5x के फॉर्म में मिल जाए। तो कोई आपको ऐसी वेरिएबल देखनी पड़ेगी, ठीक है? तो उस वेरिएबल को देखने में आपको मे बी थोड़ा टाइम लग सकता है और मे बी परफेक्ट निकल के नहीं आए, बट इसको ऐसे कर सकते हैं शायद। देखो यहाँ पे 11, ठीक है, 11 हम लोग ले सकते हैं, है ना? 11 रूट ले सकते हैं। बट अगर हम लोग क्या करें, मिडिल टर्म स्प्लिट तो ऐसे कर सकते हैं, और अगर इससे भी इजी तरीके से सॉल्व करना हो तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लगाएंगे। तो देखो बी जो है ये बीच वाला टर्म है, फाइव स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू इंटू माइनस ट्वेल्व, जैसे ही जोड़िएगा 25 प्लस 12 चौके 48 दोनी, दैट इज 48 इंटू टू, 8 टू 6 एंड 4 टू 8, 86 ऐड हो जा रहा है, और 8 दस 11, ठीक है? 6 5 11, 8 2 10 11, आपके पास क्या निकल के आ रहा है, दैट इज यहाँ पे
कहीं मैंने गड़बड़ कर दी है क्या? शायद कुछ गड़बड़ हुई है। 12, ओके, 5 स्क्वायर 25 एंड 12 इंटू 24, 24 इंटू 4, आई थिंक 24 इंटू 4 जो है, हाँ 96, सॉरी सॉरी, यहाँ पे 86 नहीं, 96 होगा ये, 86 नहीं 96 होगा, तो ये 1 2 1 करके निकल के आ जाएगा, ठीक है, 1 2 1 करके निकल गया। जैसे ही 1 2 1 आ गया, आप क्या करोगे, आपके पास B² - 4AC निकल के आ गया, इसको डी मान लेते हैं, ठीक है, ये जो है डी है। यहाँ पे एक केसेस बनते हैं, अब यहीं पे आपको बता देता हूँ क्या क्या केसेस बनते हैं। केस 1, अगर डी जो है ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे रियल एंड अनइक्वल रूट्स बनते हैं, अनइक्वल रूट्स बनते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लास 10th पे पढ़ा हुआ है। सेकेंड, डी इज लेस देन 0, यहाँ पे बनते हैं इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, ठीक है, यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स। और थर्ड, डी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे बनते हैं दैट इज रियल और इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, ये कंडीशंस होती है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को अभी तुरंत फटाफट सॉल्व करते हैं, डी आ गया, अभी मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अब -b, तो -5 प्लस अल्फा निकाल रहा हूँ, ठीक है, अंडर रूट में डाल देता हूँ इस डी को, और इसकी वैल्यू आई है 1 2 1 / 2 * 8, यानी कि 4, तो अल्फा जो निकल के आ रहा है -5 + 11 / 4, दैट इज 7 दैट इज 6 / 4 है ना, तो 2 3 = 6, 2 2 = 4, 3 / 2, 3 / 2, और एक बीटा जो निकलेगा -5 -11 अपॉन में 4 से निकल जाएगा, तो -16 / 4, तो ये जो वैल्यू आ गई -4 निकल के आ गई, ठीक है, ये आपको यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा, -4। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को थोड़ा रिवाइंड कीजिए और इसको देखिए कैसे सॉल्व किया है हमने, ठीक है। हम लोगों ने क्या माना है कि डी जो है B² - 4AC के इक्वल है, हमने क्या किया, B² - 4AC जो यहाँ पे आ रहा था -B+ माइनस रूट इसका और अंडर बाय 2a, उसको हमने क्या किया, इसमें सिंप्लीफाई कर दिया, प्लस माइनस रूट अंडर D/2a। तो जैसे ही डी निकला हमारा, ये डी निकला, इसके वेरिएबल्स को यहाँ पुट किया और हमने वैल्यूज निकाल दिए, कैसा निकलता, अल्फा पॉजिटिव बीटा निगेटिव, क्या बीटा पॉजिटिव अल्फा निगेटिव, कुछ भी किसी को ले सकते हो, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव किसी को भी यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो, तो इसकी कोई भी दिक्कत नहीं है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, फैक्टराइजेशन, जो भी आपको मैथमेटिक्स में सिखाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग भी इस क्वेश्चन को आप इजिली सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कोई भी बाउंडेड रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको इसी मेथड से करना है, सिर्फ यही फॉर्मूला लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं आपको जो भी याद है, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है तो आप किसी भी मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी मैं देख रहा हूँ अगर मेरे पास और क्वेश्चन आपको मैं करवा सकूँ तो मैं आपको जरूर करवाता हूँ, ठीक है। तो चलो फटाफट क्वेश्चन करवाने के लिए जस्ट रुक जाओ, मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स में करने मिलेंगे, ठीक है, मैथमेटिक्स में। तो अभी इस एक क्वेश्चन को आपने देख लिया ना, अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो फिर मुझे बताइएगा, तो उसको क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो फटाफट क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पार्ट हो गया कम्प्लीट, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमारा बचता है वो आ जाता है हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है, अंदर जो है अब आएगा बाइनोमियल एक्सपेंशन, उसको कंप्लीट करते हैं। अलजेब्रा के अंदर ही आता है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल अप्रोक्स एस्टिमेशन, ठीक है, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन बहुत ही काम आएगा अप्रोक्स मेथड यूज करने के लिए, ठीक है। अगर हम लोग को पता है कि इन केस अगर एक्स जो है वेरी स्मॉल है, कोई भी केस है जहाँ पे एक्स वेरी स्मॉल है ना स्टूडेंट, तो क्या होगा, देन टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर ऑफ एक्स कैन बी नेग्लेक्टेड इन सच केस। अब जो अगर एक्स बहुत ही स्मॉल है तो पता है एक्स की कुछ भी पावर हो जाए तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, और सिंपली हम लोग लिखते हैं 1 + x^n = 1 + n, ठीक है, ये ऐसे करके यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, वेयर आपको पता है कि x जो है वेरी स्मॉल है तभी हम लोग नेगलेक्ट करते हैं पावर को, अगर x बहुत ही ज्यादा स्मॉल नहीं है तो पावर को नेगलेक्ट बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर 1 + x की पावर -n हो जाए तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 1
दैट इज 1 माइनस nx लिखते हैं, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया। और अगर 1 माइनस x टू द पावर -n हो जाए तो फिर स्टूडेंट्स तो लिखेंगे 1 प्लस nx, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस nx में चेंज हो जाएगा। यही क्या है आपका स्टूडेंट्स, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन है। इससे बहुत ज्यादा आपको बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन जानना बिल्कुल भी नहीं है, अगर कोई बता भी रहा है तो कोई बात नहीं, वो फिर वहां पे आप सीख लीजिएगा, ठीक है। और अगर मैं देखता हूँ कि आपको मैं कुछ और बताने लायक चीजें हो सकती है, ठीक है, तो मैं आपको बाइनोमियल एक्सप्रेशन में भी आपको वो बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक सेकेंड जस्ट रुक जाइए स्टूडेंट। यस, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है बाइनोमियल एक्सप्रेशन में, अभी मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा पढ़ा जाएगा, बस यहाँ पे ये काम लोगे, ठीक है। बाइनोमियल एक्सप्रेशन कि अगर 1 प्लस x की पावर n है और x बहुत ही स्मॉल है तो आप लिखोगे 1 प्लस nx, और बाकी सारे केसेस यहाँ पे बता दिए मैंने बाइनोमियल एक्सप्रेशन में, अप्रोक्सीमेशन में जितनी चीजों का काम था उतना मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन करके देखते हैं इस पे, ठीक है। नहीं, ज्योमेट्री वाला पार्ट अभी नहीं आया है, ठीक है। ज्योमेट्री अभी, ज्योमेट्री को काट देते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री अभी नहीं आई है, अभी बाइनोमियल एक्सप्रेशन वाला पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो इसको हटा देते हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशन वाला पार्ट है, आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट दैट इज एक्स जो है, मान लेता हूँ इक्वल टू अंडर रूट 0.99 है, ठीक है। कैलकुलेट कीजिए इसको, ठीक है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगाइए। आपको पता है एक्स की वैल्यू, जिसको मानते हैं हम एक्स, इसको हमने एक्स माना हुआ है, हमको पता है कि ये क्या है, ये कुछ नहीं बट 1 माइनस 0.01 का पावर हाफ है ना, रूट को हाफ लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01 लिख सकते हैं कि नहीं। अगर 1.00 से हम लोग क्या करें, 0.01 को माइनस करें तो हमारे पास ये पाएगा 0.99, ठीक है। चलो ये आ गया आपका, यहाँ पे एक्स बहुत ही स्मॉल है तो लिखेंगे 1 प्लस nx, है ना, 1 प्लस nx लिखेंगे, ये निकल के आ जाएगा 1 माइनस, सॉरी यहाँ माइनस है ना, तो 1 माइनस nx हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस nx तो 1 माइनस 1/2 × 0.01, ठीक है। और ये जो अप्रोक्सीमेटली आपके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 0.005 के इक्वल हो जाएगा, और ये जो निकल के आएगा 0.995, ठीक है। ये हो गया इसका कैलकुलेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन से हमने कर दिया कैलकुलेट, सिंपल मैथमेटिक्स लगाई और इसको कैलकुलेट करके हमने निकाल दिया। ये था बाइनोमियल एक्सप्रेशन का एक एग्जाम्पल, ठीक है। अगर आप और भी चाहते हो तो मैं आपको करवा दूंगा बाद में, ठीक है, बट इससे ज्यादा आपको कुछ बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी बाइनोमियल एक्सप्रेशन की, ठीक है। अब आ जाते कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, ठीक है। कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो रूल को कैसे सॉल्व करते हैं, फटाफट देखेंगे। कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल, अगर अगर इफ p/q a/b के इक्वल है स्टूडेंट्स, तो आपको पता होना चाहिए कि देन देन क्या होगा, p+q/p-q जो है वो a+b/a-b के इक्वल होती है। ये आपको हमेशा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो याद रखना है, इसको बहुत ही इजी सीरीज है, इस पे आप खुद क्वेश्चंस लगा करके देख सकते हो, कुछ बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है ये चीज, बहुत ज्यादा ये कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। तो ये आप सॉल्व कर सकते हो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। चलिए वो फॉर्मूला बता दिया है, आप यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हो। मान लो 1/2 जो है इक्वल है 1/2 के, ठीक है, या फिर कोई भी अभी टर्म ले लेंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 बाय 1 माइनस 2, ये 1 प्लस 2 बाय 1 माइनस 2 के इक्वल हो जाएगा, यानी 3 इज इक्वल टू 3। ऐसे ही आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल वैल्यूज, मान लो 3x/4x जो है किसके इक्वल है, 3x/4x इक्वल है भाई 2/4 के, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो 3x+4x/3x-4x इज इक्वल टू 2+4/2-4। अब इसको इक्वेट करोगे, सॉल्व करोगे, आपके पास कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे, ये आपके निकल करके आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ज्यादा इसमें मगअप नहीं करना है, कंपोनेंडो डिविडेंडो आपको छोटे क्लासेस में था और ये काफी इजी सा टॉपिक है, ठीक है। चलो तो ये समझ में आ गया अलजेब्रा के अंदर क्या क्या हमने पढ़ लिया, बाइनोमियल एक्सपेंशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, और कंपोनेंडो डिविडेंडो। अलजेब्रा के अंदर एक और चीज आती है,
एपी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने पढ़ा हुआ होगा। फटाफट यहाँ पे जानते हैं एपी में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक टर्म ए होता है, फिर ए प्लस बी होता है, ए प्लस टू डी होता है और डॉट 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 कहाँ तक चला जाता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तक चला जाता है। ये आपको सीरीज पता होनी चाहिए, यहाँ पे कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। तो यहाँ पे ए जो है भैया ए बनता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, और डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, सी डी बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं सी डी कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूला होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये एन एथ टर्म निकालने का फॉर्मूला, और सम ऑफ एन एथ टर्म होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला, या फिर एन बाई टू टू ए अगर लास्ट टर्म पता है तो यहाँ पे एल लिखवा दीजिए, ठीक है। या अपन कल फिर क्या आ जाएगा सम ऑफ ऑल टर्म, ठीक है। तो इस पे कल क्वेश्चन करने हैं क्या, चलो फटाफट क्वेश्चन करते हैं इस पे। मान लो कि आपको 4 प्लस 8 प्लस 12 डॉट 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 64 प्लस तक दिया हुआ है, ठीक है 64 तक दिया गया है। यहाँ पे ए क्या हो गया 4 हो गया, बी क्या हो गया ए दैट इज ए टू माइनस ए वन, ये ए टू है, ये ए वन है, ये ए थ्री है, ठीक है। चेक करते हैं कितना आ गया 4 आ गया, ए थ्री माइनस ए टू कितना आ रहा है, ये भी हमारे पास 4 ही आ रहा है, तो ये कॉमन डिफरेंस सेम है 4 होगा यहाँ पे, ठीक है। हमको इनका सब निकालना है, तो एस एन एच निकालना है, तो एन बाई टू, तो कौन सा टर्म निकालना है यहाँ पे, कोई टर्म निकालना है यहाँ पे, ओके यस लास्ट टर्म हमारे पास दिया गया था, एस एन एच क्या निकाल देंगे एन बाई टू ए प्लस एल लगा देंगे, ठीक है। तो 16 बाई टू और ए जो है आपका 4 प्लस 64, और ये सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा 544, बस आंसर आ गया। एन जो है यहाँ पे निकल के आ जाएगा 16, कहाँ से निकालोगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए एन, एन के जगह ये पुट करोगे 64 और इस वैल्यू से आप यहाँ से निकाल लोगे एन इज इक्वल टू 16 स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा, ये एपी सीरीज यही खत्म होती है। अब जीपी का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनना और इसको गांठ बांध लेना, अगर नीट के हो तो आपको ये ध्यान से ही सुनना है, और आईआईटी के हो तब आप इसे छोड़ ही नहीं सकते, और बोर्ड के हो तो आपके लिए महाजरूरी है, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सारा फिजिक्स में काम आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। जनरल फॉर्म होता है ए ए आर, ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर टू द पावर एन माइनस वन, यहाँ तक जाता है। सम ऑफ एन टर्म यहाँ पे क्या आ जाता है एस एन एच, यहाँ पे आता है आपका दैट इज ए इंटू वन माइनस आर का पावर एन अपॉन में वन माइनस आर, ये निकल के आ गया, ठीक है भैया। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स यहाँ पे एस आपको मैंने ये दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे ए जो है फर्स्ट टर्म है, आर है कॉमन रेशियो, ए जो है फर्स्ट टर्म है, ठीक है। आर जो है ये कॉमन रेशियो है, ये क्या है कॉमन रेशियो है। चलो आगे सॉल्व करें क्या, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया है, इसके क्वेश्चंस मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है। फटाफट क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि फील आ जाए और कोई भी टॉपिक लगे नहीं कि हमने छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस, ये ध्यान से याद रखना, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, कहाँ पे ज्योमेट्रिक होता है कहाँ पे एपी लगेगा ये मैंने बता रखा है, कहाँ जहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड वहाँ पे ज्योमेट्रिक, जहाँ पे एड सब्ट्रैक्ट वहाँ पे एपी, ठीक है। ज्योमेट्रिक नहीं लगेगा वहाँ, यहाँ पे ए हमारे पास 1 है, ठीक है। आर यहाँ 2 है, एन यहाँ पे हमारे पास 9 है, ठीक है। एन कैसे निकाला, तो हमको पता है कि 256 है ना इज इक्वल टू 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 दी पावर 8। चलिए ऐसे आपको समझ में आ गया, तो एस एन एच निकालना है दैट इज 1 इंटू 1 माइनस 2 का पावर 9 अपॉन में, ठीक है, ये 1 माइनस 2, ये आपका जो वैल्यू निकल के आ जाएगा दिस 2 का पावर 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 511, ये जो है आपके पास आंसर निकल के आ चुका है। और फाइनली ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन था, और ये भी आपने सीख लिया है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सॉल्व कैसे करते हैं। तो यही था अलजेब्रा, इससे ज़्यादा भी अलजेब्रा में आपको नहीं कुछ जानना है, ठीक है। अब कुछ कॉमन फॉर्मूले अगर अलजेब्रा में जानना चाहते हो तो वो मैं बता सकता हूँ, बट उस पर जाने से पहले मैं लॉग फंक्शन थोड़ा सा बताऊँगा, ठीक है। अब ख़त्म हो गई ये स्लाइड, ओके, तो मैं अभी ऐड कर ले।
डिटरमिनेंट करके, ठीक है, डिटरमिनेंट या फिर डिटरमिनेंट जो भी आप इसको बोलते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म प्ले करता है रोल आपके अभी, ठीक है। तो इस डिटरमिनेंट को भी सीखना है और बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना, ठीक है। तो ये वेक्टर्स में तो काफी ज्यादा काम आता है, ये जनरली टीचर्स वेक्टर में सिखाते हैं, मैं यहीं पे सिखा दे रहा हूँ। ए बाई सी डी बाई डी अगर है मॉड्यूलस में, ये इक्वल होता है ए डी माइनस बी सी के, याद रखिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन में एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मान लो 3 है या -5 है या 3 है या 1 है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी माइनस बी सी कर लो, ए डी माइनस बी सी यानी -3 और बी सी माइनस ऑफ इसके 5 3 15, ये आपके पास निकल के आ गया, दैट इज क्या। सर यहाँ पे हमने कोई पे मिस्टेक कर दिया क्या, एक मान लो इसको, दैट इज ये 5 AD - BC कर रहे हैं ना, AD कीजिए -3, ठीक है, और यहाँ माइनस ऑफ -15 लगाइए, तो आपके पास क्या निकल गया, -3 + 15, जो कि आपके पास 12 आंसर आपको दे देगा, ठीक है। चलिए ये हो गया डिटर्मिनाट का फर्स्ट फॉर्म, कि अगर D इज इक्वल टू A/C और B/D मॉड्यूलस में है तो वो AD - BC के इक्वल होता है, ऐसे डिटर्मिनाट सॉल्व करते हैं, ये दो टर्म्स के लिए हो गया। और डिटर्मिनाट्स अगर 3 टर्म्स के लिए आ जाए तो मॉड्यूलस लेंगे A1 B1 C1, ठीक है, A2 B2 C2, ठीक है, और मान लेते हैं A3 B3 C3। अब इतना बड़ा मॉड्यूलस के अंदर का फंक्शन सॉल्व कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए, इसका फंक्शन होगा A1 B2 by C2 B3 by C3, ठीक है, -A2 B1 C1 B3 C3, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ऐड करते हैं +A3 B1 C1 B2 C2। बहुत ही इजी तरीका है इसको याद रखने का, ठीक है, हालांकि इसका प्रूफ है मैथमेटिक्स में, इसका प्रूफ करते रहिएगा बैठ करके। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ये कैसे करें। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले थे, इस वाले टर्म्स को गोली मारेंगे, और B2 और C2 को हमने लिया, ठीक है, B2 और C2 को हमने लिया, उसको B3 और C3 के साथ इक्वेट किया पहले, ठीक है, इस टर्म। अब क्या किया, उसको A1 से मल्टीप्लाई किया और B2 और C इस वाले टर्म्स को यहाँ पे रखने का। अब इसको पता है ना, AD और BC ऐसे कर दीजिएगा और फिर मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली -A2 लिया, अब B1 C1 जैसे ही हमने लिया, B1 C1 और B3 C3, बीच वाला टर्म को हमने छोड़ दिया था, अब हम लोग क्या ले रहे होंगे, A2 ले रहे हैं, और जैसे ही A3 लेंगे, ये वाला टर्म छोड़ के B1 B2 और C1 C2 यहाँ पे यूज कर रहे होंगे, ठीक, ऐसे डिटर्मिनाट सॉल्व हो जाती है, ठीक है, डिटर्मिनाट ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। हालांकि एक एग्जाम्पल देकर के मैं ये समझाना चाहूंगा, ये डिटर्मिनाट इसको याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। चलो सॉल्व करते, नहीं तो आप लोग पूछते रहोगे कैसे हुआ नहीं हुआ। मैं 5 2 7 पॉजिटिव, निगेटिव 4 1 8 लेता हूँ, 3 6 9 को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, और इसको डिटरमिनेंट को खोलिए, 1/8 कैसे सॉल्व करना है आपको, मैंने फॉर्मूला दे रखा है ना, -4, अब प्रूफ करेंगे हम लोग मैथ्स में, 4 2/7 है ना, और क्या हो जाएगा, 2/7 और 6/9, माइनस ऑफ A3 वाला काम करेंगे तो वो क्या, सॉरी प्लस करेंगे A3 को, और 2 1 ये दोनों टर्म को ले रहे हैं, 2/7, ठीक है, और 1/8, और 1/8 सॉल्व कीजिए इस टर्म को, तो ये आप टर्म आ जाएगा 5 × 9 - 48 - 4 18 - 42 +3 16 - 7 = -72। ये आपके पास इस फाइनली इस डिटर्मिनेंट को खोलने के बाद ये आंसर आ रहा होगा, इस डिटर्मिनेंट को खोलने के बाद फाइनली ये आंसर आ रहा होगा, ये फाइनल आंसर है, ठीक है। इस वाले रिलेशन को आप याद कर लें, ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ ताकि आपके नोट्स में खराब ना आए, ठीक है, और आप इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो आप सब कुछ सीख रहे हो, ठीक है। तो ये करना है, इस पे स्टार लगाना है, टू रिमेम्बर, हम लोग इसका क्रॉस प्रोडक्ट में बहुत यूज करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट में ये बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है, वेक्टर के इस डिटरमिनेंट फॉर्म को याद कर लो, ठीक है। चलो अब भाई अलजेब्रा का लास्ट चीज बच गया है,
आईआईटी के सिलेबस फिजिक्स को पढ़ने के लिए लॉग फंक्शन, बहुत लोगों की बुखार आ जाती है लॉग से, बहुत लोगों को मजा आ जाता है ना, अब बुखार आएगा ना बहुत ज्यादा बोर लगेगा, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाले लॉग को सीखने में। ठीक है भाई पेन दे दो यार, बोर हो गया उससे। ठीक है हालांकि ये नोट्स में आपका नहीं आ पाएगा, कोई बात नहीं बाद में नोट्स में भी लिख देंगे। लॉगरिदम, ये जो अभी मैं मोटे मोटे अक्षरों में लिख रहा हूँ ये आपके नोट्स में नहीं आएंगे, लेकिन मैं नोट्स में आपको लिख के दे दूंगा जो मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है तो हम लोग को पता है कि लॉग ई बेस एक्स हो जाता है एल एन एक्स, इसको नेचुरल लॉग भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, नेचुरल लॉग। और ये अगर मैं ऐसे डायरेक्ट बताऊं तो आप लोग जूता मारो, तुमको लोगे पहले तो लॉग फंक्शन कुछ बताया नहीं है क्या, और लॉग ई एल एन एक्स क्या क्या बता दिया, तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट। अभी मैं आपको इसका मैं जस्ट मैं लॉग समझाता हूँ। ठीक है लॉग क्या है, तो पहले के जमाने में बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हुआ करती थी और उन कैलकुलेशन को इजी करने के एक फंक्शन यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं लॉग फंक्शन, जिसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स लॉग फंक्शन। इससे क्या होती है कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाती है। ठीक है कैलकुलेशन हमारे पास इजी हो जाती है। अब इसमें जो है कुछ चीजें होती है, जैसे लॉग है, लॉग है यहाँ पे कुछ एक टर्म होता है उसको बोलते हैं बेस, और यहाँ पे एक टर्म होता है उसको बोलते हैं पावर, है ना, या बेस। जैसे कि अगर मैं बोलूँ लॉग लॉग बेस टू टेन और उस पे एक्स, तो हम लोग बोलेंगे दैट इज, इसको कैसे पढ़ेंगे लॉग बेस टेन एक्स। ठीक है इसको ऐसे पढ़ेंगे, और इसको सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, आपको पता है ना इसको सॉल्व कैसे करते हैं, नहीं अगर पता है तो अभी मैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए भी बता दूंगा, बट अभी आपको जानना है ये क्या होता है लॉग जो एक्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं लॉग बेस टेन। ठीक है चल, और अगर लॉग की पावर बेस में ई कर दी जाए, लॉग की पावर ई कर दी जाए, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, जिसको बोलते हैं एल एन एक्स। क्या बोलते हैं एल एन एक्स बोलते हैं उसको। ठीक है तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, जल्दी जल्दी फॉर्मूला लिख लीजिए। पहला फॉर्मूला है प्रोडक्ट फॉर्मूला ऑफ लॉग एम एन होता है आपका स्टूडेंट्स लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम प्लस लॉग ऑफ एन। ठीक है आपको पता है बेस पावर बेस क्या है दैट इज यहाँ पे 10। ठीक है तो और क्या लिखना है आगे, आगे सेकेंड लिखिए लॉग एम बाई एन, ये क्या निकल के आ जाएगा लॉग एम माइनस लॉग एन। ठीक है थर्ड लिखेंगे स्टूडेंट्स लॉग एम का पावर एन किसके इक्वल होता है, एन लॉग एम के इक्वल होता है। ये बेसिक से फॉर्मूले है, इससे काम हमारा यहाँ पे चल जाएगा, ज्यादा माथा पैची नहीं करेंगे लोग एलिदम में, और भी आने वाले लेक्चर्स में हम लोग सीखेंगे। इसको पूरा का पूरा एक वीडियो डेडिकेटेड मैं बना दूंगा आपके लिए लोग एलिदम पे। ठीक है आपको टेंशन नहीं लेंगे लोग एलिदम समझ नहीं है, तो अभी जितने फॉर्मूले बताए उनको बच गया। और अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भाई जो अगर भूल गए हो तो भूले भी सौ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइन माइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। भूले भी सौ अगर ये अगर नहीं आते तो क्वेश्चन बनेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है आपका। और भी कोई फॉर्मूले होते हैं क्या, भूल रहा हूँ मैं, और आप कौन सा फॉर्मूला ले सकते हो जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं यहाँ पे आपको नहीं बता रहा हूँ। तो ये थ्रू आउट द जर्नी बहुत ही काम की चीज होगी ये सारे फॉर्मूले। ठीक है इसको बस याद कर, ठीक है और ये आपको याद होगा। तो ये मैंने आपको डिटरमिनेंट्स बता दिया और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बता दिया, एपी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दिया। आज ज्योमेट्री तो नहीं हो पाई बट ज्योमेट्री को नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे होंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे होंगे पूरी की पूरी ज्योमेट्री को ही कवर कर लेंगे। इसमें हमने पूरे के पूरे अल्जेब्रा पार्ट जो कि आपके बेसिक मैथ्स काम आने वाला है, इसको दो बार देखिए तीन बार देखिए लेक्चर, थोड़ा स्पीड में बोला है अगर नहीं समझ में आए तो दो तीन बार देख लो समझ में आ जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री। ठीक है ज्योमेट्री अभी मैं कुछ होमवर्क दे दूं क्या, होमवर्क दे दूं, होमवर्क दे दूं, क्वेश्चन एक होगा मेरे पास
जस्ट अ सेकेंड, ठीक है ओके। बाइनोमियल एक्सप्रेशन से होमवर्क दे दूं क्या, या फिर हाँ एक एक काम करो, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 up to infinity, इसको आपको सॉल्व करना है, और यहाँ पे लग रहा है जी, सॉल्व कीजिएगा इसको, ठीक है जीपी की मदद से इसको सॉल्व कीजिएगा, हो जाता है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे जीपी से ये सॉल्व हो जाता है ऐसे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, और कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको क्या करना है, कमेंट करना है, कोई भी प्रॉब्लम को कमेंट करना है, ठीक है। चलिए ज़्यादा नहीं, चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर कर ही दोगे आप, चलिए बाय।